नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आ गया हूँ पूरे जोश के साथ, पूरे फॉर्म में, अब आपके लिए एक से एक और बेहतरीन वीडियो लेके। अब हमारा स्टडी पॉइंट ट्यूटर नहीं रहा, अब ये प्रीमियम हो गया है, पूरी बेस्टीज के साथ आ चुकी है। क्योंकि यार अब जो है आपके लिए एक से एक नए वीडियोज आ रहे हैं, ठीक है। पूरी अब देखिए, पहले हमारी दो सीरीज चला करती थी डेली करंट अफेयर्स की, बीच में रुकी, पर अब जो डेली करंट अफेयर्स हैं बहुत ही टॉप वीडियोस के साथ आपके लिए आएंगी। और साथ साथ में उसमें आपको हर मंथ के और प्रीवियस मंथ्स के भी जो हमने छोड़ दिए हैं करंट अफेयर्स, उसके 250 क्वेश्चन हर मंथ मैंने सितंबर से नहीं लाया था। अगस्त सितंबर से हम लोग का जो करंट अफेयर पर डे था वो नहीं आ पा रही थी, तो उस प्रीवियस मंथ्स के सारे आपको करंट अफेयर पार्ट बाय वाइज जो है आपको सारा कुछ बताया जाएगा। और 250 क्वेश्चन मैंने आज भी आपके लिए ले आया है, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। सितंबर महीने और अगस्त के महीने से 250 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ये एपिसोड 1 है, इसमें हम 60 से 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले बता दूँ, एक और हमारी सीरीज थी कैलकुलेशन मास्टर सीरीज थी, अब उसमें भी एडवांस हो गई हमारी कैलकुलेशन मास्टर सीरीज। उसमें अब ट्रिक तो आएंगी ही, लेकिन अब हम चैप्टर वाइज ट्रिक देंगे। अब आपको बताएंगे कि पूरे चैप्टर को आप ट्रिक से कैसे बना लो। अभी सिर्फ कैलकुलेशन की ट्रिक देते थे, अब पूरे चैप्टर की ट्रिक देंगे। एक से एक एडवांस वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, बहुत तैयारी के साथ इस बार आया हूँ मैं फिर से, और पूरी तैयारी के साथ वीडियो ला रहा हूँ। और एक नई हमने सीरीज शुरू की है केस स्टडी वीडियोज। ये केस स्टडी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इस केस स्टडी में हम अलग अलग बड़े व्यक्ति जो हमारे रतन टाटा हैं और मुकेश अंबानी हैं, इनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, मिसेज एमएस धोनी हैं, अलग अलग, और हमारी मिसेज मिथाली राज है, उन पर हम केस स्टडी करेंगे। अलग अलग स्टेट्स पे केस स्टडी करेंगे, बंगाल पे करेंगे, बिहार पे करेंगे, दिल्ली पे करेंगे, कि आज हम आ गए हैं पूरी शक्ति के साथ। केस स्टडी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इससे आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा एनहांस होंगी। तो एक चीज़ सुन लो, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट ट्यूटर की केस स्टडी मिस की तो अपने ज्ञान को डिक्रीज की, क्या अगर हमारे चैनल की केस स्टडी मिस की तो अपने ज्ञान को डिक्रीज किया? तो यार डिक्रीज मत करो अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को इन्हेंस करो, इंक्रीज करो दिन प्रतिदिन। जितना इंक्रीज करोगे, हमको क्या करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं, हमको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करोगे तो लेस प्रोडक्टिव बनोगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे। और अगर स्मार्ट वर्कर कर बनोगे ना, स्मार्ट करोगे ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। यही अंतर है हमारी और भारत और चाइना के बीच में, कि वो स्मार्ट वर्कर है, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हम लेस वर्कर, यानी हम हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब भी हम कम प्रोडक्ट दे पाते हैं ना। तो हमें स्मार्ट वर्कर बनना है। कैसे स्मार्ट वर्कर बनने हैं, इस तरीके के बेहतरीन केस स्टडी आने वाला है। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। तो आज मैं आ गया हूँ पूरी शक्ति के साथ, एकदम खड़ा उतर गया हूँ। आज हम लोग अगस्त सितंबर महीने की 60 से 70 क्वेश्चन एपिसोड 1 में देखने वाले हैं, और एपिसोड आएंगे जिसमें कि हम लोग पूरे 250 क्वेश्चन कवर करेंगे सितंबर अगस्त महीने के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, अगस्त 2021 में डैश ने अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान अध्यक्षता में डैश पर एक प्रस्ताव का अपनाया किया था। किसने अपनाया था इस प्रस्ताव को? तो ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान जर्मनी अफगानिस्तान, फ्रांस अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगे, क्या ऑप्शन है? भारत पाकिस्तान जर्मनी अफगानिस्तान, फ्रांस अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका पांचवा क्या था? भारत अफगानिस्तान। यानी कि 15 राष्ट्र के निकाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भारत के अध्यक्षता में जो है अफगानिस्तान पर एक मजबूत प्रस्ताव का
जो है को अपनाया है, प्रस्ताव को अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने INS तावर के साथ भूमध्य सागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया है? ध्यान से सुनिए, तो सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में जो भारतीय नौसेना है INS ये तावर के साथ भूमध्य सागर में एक पहला समुद्री साझेदारी कर रही है। क्या कर रही है? साझेदारी कर रही है, पहला समुद्री साझेदारी किया जा रहा है। तो ये किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है, किस देश के साथ आयोजित करेगा भारतीय नौसेना इसे? तो इसका आंसर देख लें, और ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी देख लें, मॉस्को, लिबिया, ट्यूनिशिया, माली, अल्जीरिया। तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर 5, अल्जीरिया। ठीक है, 29 अगस्त 2021 को, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, 29 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में अल्जीरिया नौसेना के साथ पहली बार समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया, जहां INS ताबर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, 29 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना में भूमध्य जो सागर है वहाँ पर अल्जीरिया नौसेना के साथ पहली समुद्री साझेदारी जो है उसका अभ्यास करने जा रहा है। ठीक है, INS। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अगस्त 2021 में डैश को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि संजय अरोड़ा को डैश के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सुरजीत सिंह देसवाल, ITBP। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 बालाजी श्रीवास्तव, CRPF, बालाजी श्रीवास्तव, ITBP, पंकज कुमार सिंह, ITBP, पंकज कुमार सिंह, CRPF। ऑप्शन सुन लिए, 5 ऑप्शन है। आंसर देखते हैं, आंसर बहुत ही ध्यान से आपको सोचना है। ठीक है, आंसर सोच लिया, चलिए आंसर आपको देखते हैं। आंसर है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है DG के रूप में? तो पंकज कुमार को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंकज कुमार सिंह, ITBP, ITBP से है, और यहाँ पर ITBP के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ना कि CRPF की नियुक्ति पे इसको क्या किया गया है, CRPF नहीं, ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि अभी जो है किसको अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे ITBP से जबकि संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, और सुरक्षा बल से पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अगस्त 2021 में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिल्डेस्क के 100% शेयरों को अधिग्रहण किया। जिसका ऑप्शन है पेपाल, पेटीएम, पेओ, इंस्टामोजो, फोन पे। आंसर देखें, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पेयू प्रोसेस की एक सहायक कंपनी के IndiaDeals.com Limited बिल्डेस्क के शेयर धारकों के साथ 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 34,000 करोड़ रुपए क्या 34,000 करोड़ रुपए में अपने इक्विटी शेयरों को 100% अधिग्रहण करने के लिए समझौता कर दिया है। किस कंपनी ने किया है? तो PayU, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के कुरुजुक फू क्षेत्र में 2 दिवसीय लद्दाख घुमंते महोत्सव का उद्घाटन अगस्त 2021 में किसने किया? तो ये किया था किसने, आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया होगा आपको, ये राधा कृष्ण माथुर ने किया था। ये क्या है, उपराज्यपाल जो राधा कृष्ण आर के हैं माथुर जो है लद्दाख के, ये कुरुजुक फू चांग थांग क्षेत्र में 2 दिवसीय लद्दाख घुमंत महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्कृष्ट उत्पाद पश्मीना
की प्रशंसा की जिसके लिए चांगथांग के लोग दुनिया भर में जाने जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पांचवा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है IDBI, क्या IDBI इंटेक द्वारा शुरू किया गया एक एंटी मनी लॉन्डर समाधान IAML के माध्यम से किस संगठन को लाभ होगा? किस संगठन को लाभ होगा? तो यार बहुत सिंपल चीज है, तो यहाँ पर IDBI इंटेक लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी की आधारित व्यवसाय परिवर्तन संगठन के बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा BFSI क्षेत्र में विभिन्न विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC क्या भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में अपने IAML एंटी मनी लॉन्डिंग क्या IAML मतलब एंटी मनी लॉन्डिंग समाधान को लागू किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 LIC इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 2021 में निर्मला सीतारमण के ने डैश में माई पैड माइस राइट परियोजना डैश की एक पहल शुरू की। तो ये आपको बता दूं कि ये जो है NABARD त्रिपुरा में, मतलब सीतारमण ने NABARD यानी नबार्ड को माई पैड माई राइट परियोजना त्रिपुरा की एक पहल जो है उन्होंने शुरू की है। तो इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन त्रिपुरा के गोमती जिले के किलावा गांव में माई पैड माई राइट MPMR परियोजना शुरू की है। MPR परियोजना नबार्ड और NAB फाउंडेशन की एक पहल है जो नबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 700 में से अधिक जिलों में कम लागत वाली सेंट्री पैड बनाने की मशीन स्थापित करती है। ठीक है, आप जान गए। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आयुष मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में कार्यालय जाने वालों के बीच योग का बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताया। तो इसका नाम आपको याद होगा, इसका नाम है आपको याद हो Y-Break। क्या Y-Break ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और ये जो है कार्यालय में जो लोग जाते हैं उनके बीच में योगा जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। अगस्त 2021 में किया गया था इसको। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि केंद्रीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध होम्योपैथी आयुष मंत्री सम्रानंद सोनोवाल ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में नोबल एप्लीकेशन Y-Break ऐप लॉन्च किया। क्या Y-Break ऐप लॉन्च किया है, ये बात समझ गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, अगर 2021 में डैश ने अपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्षता में डैश पर एक प्रस्ताव का को अपनाया है, तो इसका आंसर जो है आप पहले ऊपर में हमने आप बताया है भारत अफगानिस्तान। देखिए अगस्त 2021 में भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक प्रस्ताव को अपनाया है। वो क्या है? तो 15 राष्ट्र के निकाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक मजबूत प्रस्ताव को जो है अपनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, अगस्त 2021 में डैश को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि संजय अरोड़ा को डैश महानिदेशक के रूप में किया था। ये ऊपर आ चुका है, इसका आंसर 4था है, पंकज कुमार सिंह ITPP। पहले भी ये प्रश्न आपसे मैंने पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने INS ताबर के साथ भूमध्य सागर में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके साथ आयोजित किया है? ये 2 बार मैंने टाइप कर दिया है तो गलती से, इसका आंसर आपको बता दूं तो अल्जीरिया के साथ। आपको मैंने पहले बताया 29 अगस्त 2021 को इसको स्टार्ट किया गया था भूमध्य सागर में, भारतीय सेना इसमें अल्जीरिया के साथ जो है आयोजित किया है इसको। ठीक है, IDBI इंटेक द्वारा शुरू किया गया एंटी मनी लॉन्डर समाधान IAML माध्यम से किस संगठन को लाभ होगा? तो LIC, ये शायद ज़्यादा बार टाइप हो गई है क्वेश्चंस गलती से। अगर 2021 में निर्मला सीतारमण ने डैश में माई पैड माई राइट परियोजना की पहल शुरू की तो ये नबार्ड में और त्रिपुरा में शुरू किया गया। 5वां इसका आंसर होगा। और चलिए ये कुछ से क्वेश्चंस लगता है वापस से आ गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा पर एक उन्नत कार्यकारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए संगठन ने सिंप्लेनर और
NPCI अगर 2021 में के साथ भागीदारी की, तो इसका राइट आंसर होगा दिखा देता हूँ, IIT बेंगलोर। क्या IIT बेंगलोर के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको बता दूँ कि दुनिया के अग्रणीय प्रमाणन ठीक है परीक्षण प्रदाताओं में से एक स्प्लिनर ने साइबर सुरक्षा में एक उन्नत कार्यालय कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिका संस्थान IIT बेंगलोर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख कोरजोक के क्षेत्र में, ये पहले क्वेश्चन आ गया था पर बता देता हूँ आपको, लगता है टाइपिंग में एरर होने के कारण 2-3 बार ये क्वेश्चन दो बार आ गए हैं, ठीक है तो आपका रिविजन ही होगा। तो एक बार आपको बता देता हूँ, फॉर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार सुन लो। इसका आंसर जो है पहले भी सुना था, ये लद्दाख घुमंत महोत्सव का मना किसने शुरू किया है, तो किसने मनवाया था, राधा कृष्ण माथुर ने, ये वहाँ के क्या है उपराज्यपाल हैं कहाँ के, लद्दाख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुनिया के उस सबसे बड़े सबसे ऊंचे अर्बजीवन वहील का नाम बताएं जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खुलने के लिए तैयार है, कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, देखिए दुबई यार हमेशा आगे रहता है हर चीज़, देखिए दुबई की एक चीज़ है ना, वो बहुत सारे हर चीज़ है ना सबसे पहले करता है, और सबसे मतलब सबसे ज़्यादा वो सब कुछ बनाएगा ना तो नंबर वन बनाएगा। ऐसा मेरा डायलॉग है, क्या करना है, दी ओनली वन या नंबर वन, क्या दी ओनली वन या नंबर वन, कोई भी चीज़ बनाता है या ना ये तो ये नंबर वन होता है या तो ओनली वन होता है, मतलब बात समझना। यानी कि दुनिया में ऐसे और चीज़ें हों, मान लेते हैं कुछ ऐसे चीज़ें हों दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर वन कौन रहेगा, यही रहेगा दुबई में, जो चीज़ बनेगा नंबर वन बनेगा सारे में से, और या तो वो ओनली वन होगा, ओनली वन मतलब कि वो दुनिया के पास है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास है, ऐसा वो बनाता है। क्या मेरा भी डायलॉग है कि हमें भी क्या करना है, द नंबर वन या ओनली वन, या एक बनो या तो सब में से नंबर वन बनो, यही जो है दुबई की बहुत ज़्यादा खासियत है। तो अभी इसने सबसे ऊंचा अब्रेविएशन वहील जो है बनाना है, इसको बन गया है अभी, पूरी तरह से तैयार हो रहा है। तो इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ, ये इन दुबई, क्या इन दुबई को क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है 21 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अर्बेशन वहीन एन दुबई, दुबई संयुक्त अरब अमीरात UAE में खोला जाएगा। एन दुबई बालू वाटर शिप द्वीप पर स्थित है और बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है, मैंने इसका पिक्चर देखा और आप अपने स्क्रीन पर भी इसका पिक्चर देख सकते हैं। एन दुबई ये बहुत बढ़िया देख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, नंबर वन चीज़ बनाता है हमको, ये दुबई की खासियत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसे राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको नियुक्त किया गया था किसने, अवीन लेखरा ने, क्या अवनी लेखरा को इनका ब्रांड एम्बेसडर के इस परियोजना के रूप में सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया है। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को 16,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने के लिए सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, मतलब सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना शुरू की, मतलब किस राज्य ने भी शुरू किया है, एकदम बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो स्लोगन लिखा है ना, एक सेव वाटर टू गेट वाटर फ्री वाटर, मतलब आप पानी बचाओ और उससे फ्री वाटर पाओ। तो ये कहाँ शुरू किया है, तो ये गोवा के CM ने प्रमोद सावंत ने इसको शुरू किया है, ठीक है। इसमें आपको 16,000 लीटर तक पानी की खपत जो है वो निःशुल्क, मतलब कोई भी पैसा उसमें आपको नहीं देना होगा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में सितंबर 2021 में भारतीय पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वाइप के अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारत पे के साथ भागीदारी की है। तो ये की है, आपको बता देता हूँ, ये एक्सिस बैंक ने की है, भारत पे एक्सिस बैंक ने एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश लिया जिसके अनुसार एक्सिस बैंक भारत के पॉइंट ऑफ सेल POS वैसे भारत स्वाइप के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंक के रूप में कार्य करेगा और व्यापारियों के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखें, NBA खिताब
जीतने वाली टीम सैक्रामेंटो किंग्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है पहली भारतीय क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 प्रिंसपाल सिंह, पंजाब के प्रिंसपाल सिंह बाजवा एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने बोस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में खास विकास में 2021 एनबीए समर लीग जीती। ठीक है, अगला प्रश्न, किस फिन टैंक कंपनी ने न्यू दुकान एक डिजिटल स्टोर प्रबंधक उपकरण लॉन्च करने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया RASCI के साथ सितंबर 2021 में भागीदारी की? तो ये क्या है, किसने पेनियर बाय। अगला प्रश्न, दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अफ्रीका मूल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है कब, आपको बता देता हूँ, ये 31 अगस्त 2021 को मनाया गया है। ये 1920 से आया है, मतलब 1920 से ही मनाया जा रहा है और 2021 में 31 अगस्त 2020 को मनाया गया है। एक्जिम बैंक द्वारा सितंबर 2021 में अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन को कोविड-19 के प्रभाव से उसके प्रबंधन के कितना ऋण पुनरुद्धार के लिए कितना ऋण दिया गया था? तो ये दिया गया था, आपको बता देता हूँ, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में लद्दाख ने डैस को अपना राज्य पशु और डैस को अपना राज्य पक्षी घोषित किया? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको याद करना है, बहुत दिमाग में रखना है कि सितंबर 2021 में जो है लद्दाख ने किस को अपना राज्य पशु और किसको अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हिम तेंदुआ को उन्होंने अपना राज्य पशु घोषित किया है, और काली गर्दन वाली जो क्रेन होती है, देखिए हिम तेंदुआ का भी आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको राज्य पशु घोषित किया गया है लद्दाख का सितंबर 2021 में, और काली गर्दन वाली क्रेन की भी मैं आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, इसको भी क्या है राज्य पक्षी घोषित किया गया लद्दाख की सितंबर 2021 में। चलिए, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेल विलियम स्टोन के हाल ही में सितंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने का घोषणा कि वह किस देश से आते हैं? इसका आंसर तो लगभग आप सभी को पता होगा, क्योंकि सबसे दाएं हाथ से तेज गेंदबाज वेल डिलम स्टेन हाल ही में जो है सारे क्रिकेट से, मतलब जितने भी टेस्ट ओडीआई सबसे ये क्या ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। तो ये कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो है खिलाड़ी हैं। चलिए, 28 क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस व्यक्तित्व की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो ये जारी किया गया था एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती, 125वीं जयंती जब इनकी थी, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जो 125वीं जयंती थी, इसके अवसर पर 125 रुपये के स्मारक सिक्का जो है इन्होंने पीएम जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सितंबर 2021 में एक प्रभावी वैश्विक महामारी और महामारी जोखिम प्रबंधन बनाने के लिए WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया है बर्लिन जर्मनी में। अगला और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैंने कहा था 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, पर वीडियो जो है ज़्यादा लंबी होने के कारण मुझे यहीं पे एंड करना होगा। कोई बात नहीं, आपके लिए अगली एपिसोड आएगी उसमें थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन। चलिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है, EPF सदस्यों के लिए केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित कर्मचारी भविष्य निधि EPF गोदान के माध्यम से अर्जित कर मुक्त ब्याज आय के लिए वार्षिक योगदान सीमा क्या है? तो ये सीमा इसके क्या है, आपको पता है कि 2.25 लाख रुपए इसकी क्या है है वार्षिक योगदान सीमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतिम क्वेश्चन, तो इसका जो PDF है वो भी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से आप 30 तक का, इसके नीचे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसकी PDF आपको नहीं दूंगा मैं पहले, 30 तक की PDF आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से लेकर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक करना, यार योगदान इतना मेहनत से बनाया है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।